भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को देश में लागू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का स्वागत किया है। वहीं झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने इस बिल का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसे जरूर पूरा करती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आज भारत सरकार ने उसे नोटिफाइड कर दिया है। मैं भारत की सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी को बधाई देना चाहता हूँ। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले हम लोगों ने मैनिफेस्टो में कहा था कि सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से प्रताड़ित वैसे नागरिक जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में प्रताड़ित हो रहे हैं, उसे तमाम हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई को अगर वो भारत की नागरिकता चाहते हैं तो आवेदन करें, और जो 2014 के पहले देश में आ गए थे, देश की आज़ादी के बाद ही धार्मिक उत्पीड़न के कारण उनका निर्वासन हुआ और वो लगातार अमानवीय परिस्थितियों में भारत के अंदर शरणागत थे, शरणार्थी बन के रह रहे थे, ऐसे आम नागरिकों के जीवन में उत्थान के लिए संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, क्योंकि भारत का संविधान हमारे लिए मानवीय दृष्टिकोण के माध्यम से मानव समाज